हेलो दोस्तों यार, आज की स्टोरी होने वाली है बिल्कुल ही अलग, क्योंकि ये हमारी खुद की रियल लाइफ स्टोरी पर हमने बनाई है कि कैसे हम यूट्यूबर बने, कैसे हमारा चैनल बना कार 98 आर्मी में, संदीप और मेरा भाई विनोद, हम कैसे मेहनत करके और कितनी मुसीबतों और क्या क्या हमारे साथ हुआ यूट्यूब में आने से पहले, तो इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना और एंड तक ज़रूर देखना। बेटा संदीप, तेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई, लेकिन तूने गैरेज का काम क्यों छोड़ दिया? जो तू स्कूल से आकर गैरेज में जाता था वो तो अब तक तू अगर करता रहता तो तू अच्छा मिस्त्री बन जाता और लाइफ में बहुत आगे बढ़ता। बेटा बेटा विनोद, तेरी आईटीआई तो पूरी हो गई है बेटा, अब तू कुछ काम वाम कर ले, नौकरी ना लगी तो फिर क्या करेगा? अभी से काम करना स्टार्ट कर दे ताकि तू कुछ काम सीख जाए बेटा, ठीक है ना? तो आज ऐसा कर, मार्केट में जा और किसी दुकान पर काम की बात करके आ। बेटा तेरी नौकरी तो लगने वाली है नहीं, तो तू आज ऐसा कर, मार्केट में जा और किसी दुकान पे काम पे लग जा, ठीक है? जाइयो आज। ठीक है बेटा जा, ऐसे घर बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, खर्चा बहुत बढ़ गया है। आईटीआई तो तेरी हो गई, अब काम कर और घर का सहारा बन, काम पे जाइयो, कुछ काम ढूंढ के आना, ऐसे मत आना बेटा, ठीक है? ठीक है पापा, जाता हूँ, ढूंढूंगा कुछ ना कुछ काम, तो आप जाइए अंदर। यार कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा जाओ और कुछ अच्छी सी दुकान पे काम पे लग जाना, ठीक है ना? क्योंकि बेटा घर का खर्चा भी बहुत बढ़ गया है, जाओ अब, बाय बाय, अच्छे से जाना बेटा। ठीक है मम्मी पापा, जाता हूँ, आप अपना ख्याल रखना। और फिर क्या था, विनोद के मम्मी पापा भी उसे काम के लिए बोलते थे कि भाई काम पे चला जा, कुछ काम कर ले, और उधर मेरे मम्मी पापा भी मेरे को बोलते थे कि काम पे जा, ऐसे घर बैठा रहकर क्या करेगा। तो गाइस हम दोनों ने फिर क्या किया, हम दोनों गए, दोनों ने बात करी कि चलो भाई यार काम पे चलते हैं, घर वाले भी बहुत चिल्ला रहे हैं, बहुत कुछ करने की बोल रहे हैं, घर पे बैठा रहता है, तेरी पढ़ाई भी हो गई है, तेरा आईटीआई भी कंप्लीट हो चुका है। तो हम दोनों ने फिर बात की, फिर हम दोनों काम के लिए मार्केट चले गए। और हाँ, हमारे घर वालों के बोलने से पहले भी हम जब स्कूल जाते थे तो हम वहाँ से भी काम के लिए चले जाते थे, जब हमारी गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ती थी तो हम उस टाइम भी काम करते थे। और ये तब की बात है जब हमारी पढ़ाई पूरी हो गई, तब तो भाई घर वालों का प्रेशर और बढ़ गया कि भाई तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब तुम्हें कुछ ना कुछ काम तो सीखना ही पड़ेगा। तो उसी के लिए फिर हम मार्केट, कुछ शॉप पे या फिर कहीं पर भी काम ढूंढने के लिए निकल गए। भैया अजमेर सिटी में चलोगे? 5-5 रुपये देंगे, ज़्यादा नहीं है हमारे पास। ठीक है बैठो, लेकिन 5 नहीं 6-6 रुपये लूँगा, बैठ जाओ। संदीप देख, हम इस गोदाम पे बात करते हैं, शायद यहाँ पर हमें काम मिल जाए, आजा। देख इनसे पूछते हैं, भैया कुछ काम वाम मिलेगा क्या? अच्छा तो तुम्हें काम चाहिए, कहाँ से हो तुम? गांव से हो ना? तो भाई तुम्हें काम पे आना पड़ेगा सुबह 10 बजे और रात को हम 10 बजे छुट्टी करेंगे और पैसे तुम्हें देंगे 5,000 रुपये। अगर काम करना है तो बता दो, वरना चलते बनो। भाई साहब इतना लेट तक तो हम नहीं कर पाएंगे, सुबह 10 से शाम रात के 10 तक तो हम नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर हमारी बस 9 बजे तक लास्ट आती है, इतना हम लेट जाएंगे तो फिर हम घर किस में जाएंगे? अच्छा तो फिर चलते बनो, तुम्हारा कोई ज़रूरत नहीं है हमें, कोई और आएगा काम करने के लिए, तुम जाओ, हम उनको पैसे देंगे, वो ज़्यादा काम करेंगे, जाओ तुम। और दोस्तों हमने ऐसे बहुत सारी दुकानों पर पूछा, बहुत मतलब जगह गए पूछने के लिए, और हमारी मेन जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि हमारे जो गांव से जो हमारी सिटी थी अजमेर सिटी, वो कम से कम 10 या 12 किलोमीटर दूर थी, तो उसके लिए हमें रोज़ टेम्पू या बस का वेट करना पड़ता था, तो वहाँ पर हमारे मतलब किराया लगता था 10 रुपये या 5 रुपये, हम कैसे भी कभी कभी तो हम बस वालों को चूतिया बना कर भी चले जाते थे।
और हाँ, जहाँ पर भी हम काम की बात करते थे वहाँ पर हमारी जो नॉर्मल जो दिक्कत वो ये आती थी कि काम का टाइम था सुबह 10 बजे और रात के 10 बजे। तो गाइस, हमारी जो लास्ट बस होती थी गांव जाने की वो थी लास्ट 9 बजे तक होती थी, कभी वो भी आती थी या नहीं आती थी। तो हमारा मेन दिक्कत यही होता था, बहुत जगह हम इस वजह से भी काम पर नहीं लग पाए। और हाँ, हमारी मेन कहानी सो उसी दिन से स्टार्ट होती है यूट्यूबर बनने की, यूट्यूब लाइन में आने की, जब हमारे घर वालों ने हमको बोला था कि भाई काम पर जाओ, तुम्हारी पढ़ाई तो पूरी हो चुकी है। तो विनोद और मैं, हम दोनों निकल गए थे मार्केट में काम ढूंढने के लिए। हमने बहुत सारी दुकानों पर ढूंढा, बहुत बात की दुकान वालों से कि हमको रख लो, हमारी जल्दी छुट्टी कर देना। तो हमारा मतलब कि टाइम बैठ नहीं रहा था, हम बहुत सारी दुकानों पर गए, बहुत जगह गए काम ढूंढने के लिए। हमने बहुत बोला कि हम 10 बजे आएंगे और हमको 7 बजे छोड़ देना या 6 बजे छोड़ देना। तो इस बात के लिए कोई भी राज़ी नहीं हो रहा था, सब बोलते थे कि हम लेट काम के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि पास ही में सिटी है तो सिटी के बहुत सारे लड़के आते थे तो वो यार रात तक काम करते थे, लेकिन हम नहीं कर पाते थे। और फिर उस दिन क्या होता कि हमको काम के लिए बोलते बोलते पूछते पूछते हमको दोपहर हो जाती है, तो एक दुकान वाले से हमारी लड़ाई हो जाती है कि भाई वो हमको मतलब कि बहुत कुछ बोल देता है कि ये वो नहीं आना, मतलब बहुत कुछ बोलता है, उसी वजह से हमारी उससे लड़ाई हो जाती है, हम भी उसको बहुत कुछ सुना देते हैं। तो फिर उसी टाइम हमने सोचा था कि भाई यार क्या करें, ये काम करके तो कुछ होगा नहीं, थोड़े से पैसे मिलेंगे उसमें हम क्या कर पाएंगे। हमने पहले भी यहाँ काम पे आने से पहले, एक साल पहले हमने यूट्यूब चैनल बनाया था कॉमेडी का, और वो हमारी वीडियो भी चली थी, लेकिन हमने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उस दिन जब हमारी उस दुकान वाले से लड़ाई हुई थी तो हम दोनों ने सोच लिया था यार दुकान पे काम तो नहीं लगेंगे, ज़िंदगी बिल्कुल झंड हो जाएगी। तो हमने क्या किया, फिर हमने सोचा यार चलो यार घर चलते हैं, बिल्कुल मन नहीं कर रहा, हम घर गए। हमने घर जाकर हमने वहाँ पर सोचा था दुकान के बाहर ही कि यार हम घर जाएंगे और एक यूट्यूब चैनल खोलेंगे और उस पर दबा के मेहनत करेंगे। धन्यवाद भैया हमको इतने कम पैसों में छोड़ने के लिए। भाई अब हम घर तो आ गए, लेकिन घर वालों को क्या बोलेंगे कि काम वाम लगे कि नहीं लगे। हाँ अरे हाँ यार संदीप, मैं भी यही सोच रहा हूँ, हमारे घर वाले तो बिल्कुल नहीं मानेंगे कि YouTube से पैसे भी आते हैं, कोई घर बैठे बैठे वीडियो बनाकर भी पैसे कमा सकता है, वो तो हमारी बात पर विश्वास करते हैं नहीं। अब हम क्या करें यार, कोई ना अभी आ जा चलते हैं, बाकी बातें बाद में सोचेंगे, अभी घर तो चलते हैं। हाँ यार चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। उस दिन क्या हुआ था कि हम दुकान वाले से लड़ के घर पे तो आ गए, फिर हमको डर लग रहा था कि भाई यार घर पे क्या बोलेंगे कि हम ऐसे लड़बड़ के आ गए दुकान वाला से और कुछ काम वाम तुमको लगना है कि नहीं लगना, ये हमको डर सता रहा था अंदर से। तो फिर हमने हिम्मत की, फिर हम चले गए घर पे कि भाई बोलने के लिए कि भाई हम यूट्यूब पे काम करेंगे, हम वीडियो डालेंगे और अच्छे खासे पैसे कमाएंगे जैसे कि दूसरे बड़े बड़े यूट्यूबर कमा रहे हैं। उस टाइम क्या था कि हमारे घर वालों को पता नहीं था कि भाई यूट्यूब से भी इनकम हो सकती है या नहीं हो सकती, उनको तो लगता था कि यार ऐसे वीडियो डालने से कौन पैसे कमाएगा, क्या कौन ऐसे फालतू लोग होंगे जो वीडियो डालने के उनको पैसे देंगे, घर वाले इस बात को नहीं जानते थे। बेटा संदीप आ गए तू, मिला तेरे को कुछ काम? हाँ नहीं पापा, मेरे को दुकान पे या कहीं भी काम नहीं करना है, मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा और वहीं से पैसे कमाऊंगा, देख लेना आप। क्या यूट्यूब लगा रखा है, पहले भी तो तेरा यूट्यूब चैनल था, कॉमेडी बनाता था ना, कुछ मिला कुछ नहीं मिला ना, फालतू में टाइम बर्बाद किया। आ गया दुकान वालों से लड़के, दुकान वालों से लड़ेगा तो काम कहाँ करेगा, नालायक कहीं का। मम्मी पापा मेरे को यूट्यूबर बनना है, मेरे को यहाँ दुकानों पे काम नहीं करना, जा रहा हूँ मैं ऊपर। यार फैमिली वाले तो मम्मी पापा तो समझते ही नहीं है बिल्कुल भी कि यूट्यूब से भी पैसा कमाया जा सकता है। पापा मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा, हमारे गांव में वो भी तो है दिलराज, मिस्टर इंडियन हैकर, उसका यूट्यूब चैनल है, उसके भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, उसको भी यूट्यूब से पैसे मिलते हैं, मैं भी यूट्यूब चैनल बनाऊंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, देख लेना। दोस्तों हमारा गांव है राजस्थान अजमेर के अंदर, और आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा मिस्टर इंडियन हैकर राजस्थान से ही है, वो भी अजमेर से, अजमेर के अंदर बढ़लिया हमारे गांव में से।
तो हमारे से वो ज़्यादा दूर नहीं, मतलब कि 1-2 किलोमीटर दूर ही उनका घर है। तो यार हम उनसे भी इंस्पायर हुए थे कि भाई हमको यूट्यूब चैनल बनाना है, हम भी यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे, अच्छे अच्छे कंटेंट बनाएंगे। हमारा पहले भी एक यूट्यूब चैनल था, वो भी अच्छा चला था कॉमेडी का, बट उस पर हमने ध्यान नहीं दिया था। फिर हमने जिस दिन सोचा था कि भाई हम यूट्यूब चैनल अब तो पक्का बनाएंगे ही बनाएंगे, हमको दुकान पे काम नहीं करना, हमको कुछ ना कुछ तो करना ही है, बट हमारे दिमाग में ये नहीं आ रहा था कि यार हम यूट्यूब चैनल बनाएंगे तो सही, लेकिन उस पर वीडियो क्या डालेंगे। तो एक दिन हम क्या गेम खेल रहे थे बैठे बैठे, तो यार हमने सोचा यार हम गेम खेल रहे हैं, ऐसे हमारे जैसे बहुत सारे बंदे गेम खेलते हैं और भी बहुत बंदे वीडियो बनाते हैं, ऐसा करते हैं हम भी YouTube पर फ्री फायर गेम की वीडियो डालेंगे। तो हमने क्या सोचा कि भाई हम YouTube पर फ्री फायर की वीडियो डालेंगे, तो हमारे पास उस टाइम तो कुछ टॉपिक था नहीं, तो हमने सोचा यार वीडियो डाले तो यार क्या डाले। तो उसके लिए हमने सोचा कि यार हम कुछ टाइम लेते हैं, टॉपिक सोचते हैं हम क्या वीडियो डालेंगे। तो दोस्तों हमने यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए टॉपिक तो क्या ही सोचा, जो भी ऑलमोस्ट जो फ्री फायर का जो न्यू यूट्यूबर बनना चाहता है वो बंदा क्या सोचता है कि जो न्यू इवेंट आते हैं उस पर हम वीडियो डालेंगे, कि सबसे पहले हम वीडियो देंगे कि आज ये इवेंट आया, ये इवेंट आएगा। तो हमने भी ऐसा ही किया, हमने भी भाई सोचा कि हम इवेंट पर वीडियो डालेंगे जो डेली रोज इवेंट आते हैं। तो गाइस हमने फिर क्या किया, जैसे कि रोज रात की 12 बजती थी तो मैं उठता था रोज रात के 12 बजे, वेट करता था, जैसे ही 12 बजती थी घड़ी में टाइम देखा और गेम चलाया। तो फिर मैं देखता था यार आज गेम के अंदर क्या न्यू आया है। तो जो इवेंट आता था, पहले बहुत बंदों को पता नहीं होता था कि भाई इवेंट के नीचे लिखा होता है जो इवेंट कब तक चलेगा और क्या क्या करना है। तो हम क्या करते थे कि इवेंट को देखा फटाफट, रात में मैं वीडियो बनाता था, फटाफट से मैंने वीडियो बनाई, उसमें वॉइस एडिटिंग की, रोज रात के 12 बजे मैं यही करता था। जैसे 12 बजे न्यू इवेंट क्या आया गेम के अंदर, उस इवेंट को देखा, टॉपअप इवेंट आता था तो उस पर भी हम वीडियो बनाते थे, तो मैं वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके फटाफट उस पर वॉइस करता, तो मेरे को कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता था वो काम करने के लिए। फिर मैं वो काम करके विनोद के घर पे जाता, फिर उसको कॉल करके नीचे बुलाता था कि उसके घर से वो आता था बाहर, तो मैं उसको वहाँ पर वीडियो देता, मैंने जो वीडियो एडिट करके वॉइस करके मैं उसको दे दिया करता था। और दोस्तों ये जो वीडियो डालने का जो प्रोसेस था 12 से 1-2 बजे के टाइम पे, ये हमारा कम से कम 1 महीने तक चला। हमने 1 महीने तक इवेंट्स की वीडियो बनाई थी। तो हम रोज रात को यही करते थे कि जैसे कि 12 बजी मैं 12 बजते उठ जाया करता था, और जैसे 12 बजती गेम खोला फटाफट से, मेरा 6000 का फ़ोन था तो मतलब उस टाइम तो उसमें गेम सही चलता था, तो मैं से जैसे 12 बजती उठता, फटाफट से वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, वॉइस ओवर किया, फिर विनोद के घर पर जाता था रात के 12-1-2 बजे के घर पर, उस पर जाके उसको उठाता, वो उठता, मैं उसको वीडियो सेंड करता, वो उसका पोस्टर बनाता, उस पर रिंग ट्यून्स मतलब कि बैकग्राउंड ट्यून्स विनोद ऐड करता, फिर उसको अपलोड कर देता। ये काम हमने कम से कम 1 महीना या 1.5 महीने तक किया था। ठीक है विनोद, अब मैं चलता हूँ, तू जल्दी वीडियो को अपलोड कर दियो। और फिर एक दिन क्या हुआ, हम दोनों बात कर रहे थे यार हमको 1-2 महीने होने वाले हैं, हम रेगुलर वीडियो डाल रहे हैं रात को फटाफट, जितना हो सके उतना जल्दी। हमारे अलावा भी और बहुत सारे बंदे डालते थे लेकिन हमारे अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे थे, बहुत कम व्यूज़ आते थे, 1-2 वीडियो चली थी उनका भी कोई मतलब नहीं था। तो हमने देखा यार यूट्यूब खोल के कि यार स्टोरी टाइप की वीडियोज़ कुछ कुछ बंदे ऐसे ही बना दे रहे थे फन टाइप के लिए, तो वो चल रही थी। तो हमने भी सोचा यार स्टोरी वीडियोज़ बनाएंगे, अच्छी चलेगी। तो हमने क्या किया, हम गए हमारे जो आस पड़ोस के दोस्त वोस्त थे, छोटे बच्चे बच्चे थे, उनके पास गए, उनको बोला कि यार दोस्तों हमें ना हमारा जो YouTube चैनल है हमने खोला है, हम इस पे वीडियोस डालेंगे, हम वीडियो बनाएंगे स्टोरी। तो यार हमारे दोस्त थे, उन्होंने ज़्यादा कुछ नौटंकी तो की नहीं, वो भी मान गए, ठीक है भाई बनाते हैं वीडियोस। तो हमने वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। और फिर क्या था, जैसे हमने स्टोरी वीडियोस डालना स्टार्ट किया, 1-2 वीडियो डालते हमारी सारी वीडियोस मतलब कि वायरल जाने लग गई, हमारी सारी वीडियो पर अच्छे अच्छे व्यूज़ आने लग गए। भाई हम तो खुश हो गए, भाई बल्ले बल्ले, हम तो भैया अच्छे यूट्यूबर बन गए। 2-3 महीने के अंदर ही हमारा मतलब कि चैनल जो था मोनिटाइज हो गया, अच्छे खासे व्यूज़ उस पर आने लग गए और हम बहुत खुश हो गए। भाई हमने गाड़ी वाड़ी ले ली, मतलब छोटे मोटे
जो हमारे शौक थे वो हमने पूरे कर लिए और ये वीडियोस हमको डालते डालते कम से कम 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। और हमारे घर वालों को अभी तक भी कभी कभी विश्वास नहीं होता यार, हम घर पे बैठे बैठे वीडियो डालकर अच्छे खासे पैसे इनकम कर लेते हैं। बट गाइस, प्रॉब्लम तो अब स्टार्ट हो चुकी है ना, क्योंकि अब जाकर थोड़ा प्रॉब्लम आया है कि यार फ्री फायर बैन हो सकता है जैसे कि पबजी हुआ था। तो यार ये बात जब हमारे दोस्तों ने सुनी तो वो भागे भागे दौड़ चलाए आए हमारे पास, यार भाई संदीप भाई विनोद भाई यहाँ पर हमारा गेम जो है बैन होने वाला है जैसे कि पबजी हुआ था, तो हम क्या करेंगे, तुम क्या करोगे, हमारा तो कुछ नहीं होगा। तो यार कुछ कुछ जो बंदे थे हमारे साथ वाले वो हंस के बोल रहे थे भाई अब तो गेम बैन हो गया, तुम वीडियो कैसे बनाओगे, तुम्हारा चैनल तो फ्लॉप हो जाएगा और जो तुमने आईडी पे पैसे लगा रखे हैं वो भी वेस्ट हो जाएंगे। तो यार फिर हमने हमारे दोस्तों को सबको बोला भाई यार हमको जो कुछ भी मिला है इस गेम से मिला है और हमारे यूट्यूब चैनल से मिला है, हमारी कमाई से हमने ये सब किया है, तो यार हमको कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है और हमारी जो ऑडियंस है वो हमारी क्वालिटी वीडियोज देख कर हमारे पास आई है। तो यार अगर गेम बैन भी हो जाता है फिर भी हम कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आएंगे जो आपको पसंद आए। तो यार आज की वो हमारी जो स्टोरी वीडियो है यार को कैसे लगा, हमारी रियल स्टोरी है। तो यार अगर अच्छी लगी तो यार कमेंट करना और वीडियो को लाइक भी करना।